आशु बेबी, आशु बेबी, अच्छा तो शरारत कर रही हो मेरे साथ? हाँ आशु, कहाँ हो तुम? हाँ अरे कौन हो तुम? अरे सुनो तो। अरे कहाँ भाग रहे हो तुम? सामने तो आओ। ये है हमारा नया घर। हाँ बेटा, मुझे नहीं रहना है। क्यों? यह कुछ नहीं है, बस एक घर है। कैसे रहेंगे हम लोग? किसके साथ खेलूंगी मैं? अंशु बेटा, मामा ने आपसे क्या कहा था कि हम दोनों मिलकर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे, और ये जो घर गंदा पड़ा है ना, इसे दोनों मिलकर साफ भी करेंगे और स्कूल भी खोलेंगे। जब यहाँ पे स्कूल होगा तो कई सारे बच्चे भी आएंगे पढ़ने के लिए, तो मेरी प्यारी सी अंशु को एक नहीं बहुत सारे फ्रेंड्स मिलेंगे, ऑल न्यू फ्रेंड्स। कुछ दिनों की बात है बेटा, उसके बाद तुम खुद आकर मुझे कहोगी कि मुझे यहाँ से नहीं जाना है मम्मा, प्रॉमिस। गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलने का तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है अंजलि बेटा, लेकिन ये जो जगह तुमने चुनी है इसे लेकर मुझे थोड़ी फिक्र है। मैं कुछ समझी नहीं अतुल अंकल। तुम्हारे स्टेट एजेंट ने तुम्हें बताया नहीं? नहीं, साफ साफ बताइए ना, बात क्या है? बेटा जो घर तुमने खरीदा है वो बहुत बड़ा और बहुत सुंदर है, लेकिन जो लोग वहां रहते हैं आसपास, उनका ये मानना है कि उस घर पे मुंजा का साया है। मुंजा? छोटे बच्चे की आत्मा। ऐसा कहा जाता है कि जनेऊ संस्कार के 10 दिन के अंदर यदि किसी बच्चे की अचानक मौत हो जाए तो उसकी आत्मा भटकती रहती है, उसी को मुंजा कहते हैं। अतुल अंकल, आप क्या ये सब कुछ? ऐसा सुना है मैंने, और ये भी। मुंजा अपने शिकार की तरफ एक बड़ा सा गोल चक्कर बनाकर बढ़ता है, जिसे मौत का घेरा कहते हैं, सर्कल ऑफ डेथ, जो कि सर्कल ऑफ लाइफ से उल्टा है। घड़ी की सुई जिस दिशा में चलती है उसके विपरीत। अगर मुंजा ने वो सर्कल पूरा कर लिया तो फिर उसमें जो भी फंसा हुआ इंसान है उसकी मौत निश्चित है।
अंजलि अपनी बेटी को यहाँ से जितना दूर ले जा सकती हो ना, उसके लिए वो उतना ही अच्छा होगा। माँ बाप का अलग होना एक बच्चे के लिए बहुत बड़ा सदमा होता है। उसको उस दर्द से बचाने के लिए और एक नई जिंदगी जीने के लिए उसका एक नए माहौल में जाना, नई जगह जाना बहुत जरूरी है। क्या हुआ अंजलि बेटा? आपने अंशु को कहीं देखा? वो तो तुम्हारे साथ सो रही थी ना। अरे अंशु, 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 अंशु। आपसे मिलने कोई आया है? Nice to meet you, Mr. Sushant. Likewise. Thank you. वैसे शर्मा अंकल के कहने पर यहाँ पे ऑलरेडी 7-8 लोग आ चुके हैं। कुछ लोग बंगले को बाहर से देखकर ही चले गए और कुछ लोगों ने अंदर आने की हिम्मत की पर अजीब बहाने देकर वो लोग भी चले गए। पर आप तो जानते ही हैं ना, मैं यहाँ पे बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल खोलना चाहती हूँ और इस काम के लिए मुझे कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिन्हें बच्चों से बहुत प्यार हो। आप अपने बारे में बताइए, आप यहीं सावंतवाड़ी से हैं? जी हाँ, मैं भी यहीं से हूँ, आई मीन सावंतवाड़ी से। तो आपकी फैमिली भी यहीं होगी? एक्चुअली मेरा डिवोर्स हो चुका है
मेरी वाइफ आई मीन मेरी एक्स वाइफ यूएस में सेटल है, पर मैं यहीं हूँ। बाय द वे, ये घर आपने कब खरीदा? अभी हाल ही में, और खरीदने के बाद कुछ अजीब सी कहानी सुनने को मिली जो मेरे इस्टेट एजेंट ने मुझे बताई नहीं। लोगों का मानना ये है यहाँ का कि इस घर पर किसी आत्मा का साया है, एक छोटे बच्चे की आत्मा का, जिसे वो मुंजा कहते हैं। पर लोग चाहे कुछ भी कहें, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ना तो मैं अफवाहों पर विश्वास करती हूँ, ना ही भूत प्रेत पर। क्या आप इन बातों को मानते हैं? नहीं, अब बिल्कुल नहीं मानता मैं। मम्मा, मम्मा, मेरे पिजन्स, मैं पिजन्स को मार दिया। कोई बात नहीं, वो अंकल बहुत गंदे है, उन्होंने मेरे पिजन को मार दिया। बेटा ऐसा नहीं कहते, और अंकल क्यों मारेंगे पिजन को? मुझे क्या पता, लेकिन उन्होंने मेरे पिजन को मारे, और कोई तो हमारे घर आया नहीं। पर अंशु, अंकल उस वक्त मेरे साथ ड्राइंग रूम में बैठे थे। ओके, मत मानो, लेकिन मैं सच ही बोल रही हूँ, वो अंकल बहुत बुरा है। अंशु, 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 मेरी बात मानो, रुक जाओ। आज अंशु बहुत खुश है, कोई प्यारा सा ड्रीम देखा रात को?
नहीं, मेरा नया दोस्त बन गया है, उसी ने तो मुझे दिया ये गिफ्ट। तो मेरा है। ये कहाँ से मिला आपको? मेरे दोस्त ने दिया। हाँ बाबा, लेकिन आपका ये नया दोस्त है कौन? है कोई। अच्छा, तो आप मम्मा को नहीं बताओगी? पैनकेक्स पसंद आए? और खाऊंगे। पहले मम्मा को अपने दोस्त से मिलवाओ, उसके बाद मिलेगा ढेर सारा पैनकेक। कहाँ है अंशु? मम्मा। हाँ। मैं अभी आई। कहाँ जा रही हो? मैं आई। अंशु, बेटा एक बात कहूँ? इस घर में जरूर कुछ है, कुछ अजीब सा। उषा जी, वो देखिए अंशु को, कितना खुश है वो, और आप खामखा डर रही हैं। देखिए उसकी तरफ। तुम मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो ना? ये किससे बात कर रही है? मेरी मम्मा ने टेस्टी पैनकेक्स बनाया है, बहुत टेस्टी है, तुम्हें चाहिए? मम्मा को बोलूं और बनाने के लिए? तुम खाओगे ना? चाहिए क्या? कुछ तो बोलो, खाओगे ना तुम? हाँ या ना, खाओगे? अंशु बेटा, किससे बात कर रही हो तुम? हाँ हाँ बेटा, हाँ किससे बात कर रहे हैं आप? चलो हमें मार्केट जाना है, चलो। हेलो सुशांत जी। हाय। उषा जी बता रही थी आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं, आप अंदर ही आ जाते हैं। नहीं नहीं, मुझे बाहर ज्यादा अच्छा लगता है। बताइए। वो एक्चुअली आपके ऑफर के बारे में मैंने बहुत सोचा, फाइनली डिसाइड किया कि इस काम में मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। तो चलिए बताइए कब शुरू करें। परफेक्ट, वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, आई थिंक वी कैन स्टार्ट राइट नाउ। आशु बेबी, आशु बेबी, अच्छा तो शरारत कर रही हो मेरे साथ? हाँ आशु, कहाँ हो तुम?
हाँ अरे कौन हो तुम? नाम क्या है तुम्हारा? अरे सुनो तो, कहाँ भाग रहे हो तुम? सुनो तो, बरसों से उषा जी हमारे यहाँ पे काम कर रही थी। परिवार के नाम पे तो मैं और अंशु ही थे उनके अपने। उनका इस तरह अचानक चले जाना मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। कपड़े सुखाने गए थे और वहीं गिर पड़े। अगर मैं आसपास होती तो शायद कुछ कर पाती। लेकिन अंजलि, अंजलि जो भी हुआ वो एक एक्सीडेंट था। इसके लिए अपने आप को ब्लेम मत करो। उसने मारा है उषा आंटी को, सब उनकी वजह से और आपकी वजह से। मम्मी आप दोनों ने उसे गुस्सा दिलाया है। अंशु तुम कैसी बातें कर रही हो? और किसने मारा है उषा जी को? आप दोनों की दोस्ती बिल्कुल अच्छी नहीं लगती संजू को। संजू? कौन संजू? मेरा फ्रेंड। बेटा मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। यहाँ पे कोई भी संजू नाम का लड़का नहीं है। है, मेरा फ्रेंड है वो। मम्मी अंजू संजू बेटा, संजू बेटा, मैं जानता हूं आप यहां हो। बेटा मैं आपके लिए यहां आया हूं, आपको प्रोटेक्ट करने। क्यों परेशान कर रहे हो आप सबको? क्यों कर रहे हो बेटा? बाहर आओ प्लीज। संजू पापा की बात सुन रहे हो ना? आकर मिलोगे नहीं? पापा की बात मानोगे नहीं बेटा? ऐसा क्यों कर रहे हो? ये लोग अच्छे लोग हैं,
आपको कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते हैं बेटा, बेटा ट्रस्ट मी। संजू उधर देखो, कितना डर रहे हैं दोनों आपसे। पापा के अच्छे बेटे हो ना, जो भी लोग सोचते हैं और कहते हैं आपके बारे में कि आप बुरी आत्मा हो, सब गलत है, झूठ है ये। आपके साथ जो हुआ एक एक्सीडेंट था, किसी ने आपको मारने की कोशिश नहीं की थी। आप तो हमारी जान थे बेटा, कैसे मारा है आपने और मम्मी ने, आप दोनों के कारण ही सब कुछ हुआ था। कौन है अजय? ओ, तो तुम छुप छुप कर मेरे मैसेजेस पढ़ते हो? हाँ, मेरे सवाल का जवाब दो, कौन है ये? बिहेव, ही इज माय फ्रेंड। फ्रेंड ऐसे मैसेज भेजते हैं? हाँ, अच्छा हुआ कि मैसेज मैंने पढ़ लिया, नहीं तो पूरी जिंदगी तू मुझे धोखा देती रहती। उसे तो मैं चौबे सुशांत, उसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कहूंगा, हजार बार कहूंगा, उसे जान से मार दो। हाँ, मार दो उसे जान से, और मुझे भी मार दो। रोज रोज की झंझट ही खत्म। झंझट की जड़ तुम हो। अगर तुम भड़ावा नहीं देती ना उसकी हिम्मत है कि भेजे, तो सारी गलती मेरी है ना? ऑफ कोर्स तुम्हारी है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। किस बात की शर्म? मैंने कुछ गलत नहीं किया है। कुछ गलत नहीं किया तुमने? हाँ, कुछ गलत नहीं किया। हाथ उठाया? हाँ, मुझ पर? छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। क्या करोगी तुम? मैंने गलती की है जो तुम पर विश्वास किया। विश्वास? ये है विश्वास? अगर तुमने
बॉडी को भूख लगी है, पानी पीना है, रोना नहीं। मैं मम्मी को अभी बुलाता हूँ। मम्मी, मम्मी, मम्मी पापा नहीं आए, वो मुझे प्यार नहीं करते। बड़ी गलती कैसे हो गई तुमसे? तुम दोनों के झगड़े में तुमने एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारा बेटा कहाँ पे है, कैसा है। इतनी लापरवाही सुशांत, वो भी अपने खुद के औलाद के साथ। क्यों सुशांत? संजू हमारा इकलौता बेटा था, और पूनम दोनों उससे बहुत प्यार करते थे। सब कुछ ठीक था उस दिन संजू का जनेऊ संस्कार चल रहा था। बहुत खुश था वो, हम सब खुश थे। मन ही मन में प्रार्थना कर रहा था संजू की लंबी उम्र के लिए। मेरी प्रार्थना अनसुनी रह गई। मुंजन समारोह के बाद मुझे पता चला पूनम मेरी वाइफ का अफेयर चल रहा, वो किसी और को चाहती है। उसी के ऑफिस में वो काम करता था। एक सच ने हमारी खुशियां छीन ली। हंसता मुस्कुराता परिवार हमेशा के लिए खत्म हो गया। नफरत, गुस्सा, जलन, अहंकार इंसान को अंधा बना देता है। वही हुआ। उस झगड़े के 3 दिन बाद पूनम ने मुझे फोन किया। अब क्या कहना है तुम्हें? तुमसे कोई बात नहीं करनी मुझे। संजू को मिस कर रही थी इसीलिए कॉल किया। बात करवाओ संजू से। अरे व्हाट डू यू मीन, तुम तो घर पर ही हो ना संजू के साथ। नहीं तो मैं तो उसी दिन मम्मी के घर आ गई थी जिस दिन तुमने मुझ पर हाथ उठाया था। और तुम कहाँ हो सुशांत? डैम इट, मैं अपने दोस्त के फार्म हाउस में आया हूँ। संजू
पूरा घर देख लिया, संजू कहीं नहीं है। सुशांत, सुशांत हमारा बच्चा ठीक होगा ना? सुशांत, सुशांत हमारे संजू को कुछ नहीं होगा ना? एक जगह रखी है, स्टोर रूम। संजू बेटा, मैं तुम्हारी नाराजगी समझ सकती हूँ, पर देख अब मैं यहाँ पे आई हूं ना, मैं हूं, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अंजू, अंजू, संजू, अंजू बेटा क्या हो गया? ये कौन? अंजू, अंजू, अंजलि ऐसा करो, अंजू को लेकर दूर कहीं चली जाओ, इसे मैं संभालने की कोशिश करता हूँ। अंजू, इससे पहले वो नुकसान पहुंचाए इसे, जल्दी से लेके जाओ। अंजू बेटा, अंजू, अंजू, संभाल के। संजू, संजू मैं जानता हूँ आप यहीं हो, सामने आओ। आ जाओ बेटा। संजू, आपने बहुत परेशान किया सबको, अंशु और अंजलि को अब आप कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे, सुन रहे हो ना मेरी बात? सुशांत, संजू मेरे सामने खड़ा है, जल्दी बाहर आओ। सुशांत जल्दी बाहर आओ, यहाँ सामने खड़ा है। मुंजा अपने शिकार की तरफ एक बड़ा सा गोल चक्कर बनाकर बढ़ता है, जिसे मौत का घेरा कहते हैं। अगर मुंजा ने वो सर्कल पूरा कर लिया तो फिर उसमें जो भी फंसा हुआ इंसान है उसकी मौत निश्चित है। सुशांत, सुशांत, अंजू, अंजू बेटा, बेटा आगे खोल प्लीज, अंजू, अंजू आगे खोल दे प्लीज। अंजलि, अंजलि, सुशांत कहाँ है? संजू, संजू यहाँ पे। अंजलि, हमारे पास टाइम नहीं है, आप अंजू को लेकर निकलो यहाँ से, उसका घेरा कंप्लीट होने से पहले यहाँ से निकल जाओ। सुशांत, तुम ये क्या करना चाहते हो? नहीं, ये ठीक नहीं है, हमें ऐसे लोगों की मदद लेनी चाहिए जो आत्माओं को मुक्त कराने का तरीका जानते हैं। अंजलि समझने की कोशिश करो, इस वक्त हमें कोई ऐसी मदद नहीं मिल सकती है। देखो, देखो, लिसन टू मी, मेरी तरफ देखो, ये गलती मुझसे हुई है, इसलिए इसका सुधार भी मैं करूंगा।
रुक जा बेटा, प्लीज रुक जा। संजू मुझे माफ कर दो, मैं एक अच्छा पापा नहीं बन पाया। I'm really sorry बेटा। अब मैं आपके पास आ चुका हूं हमेशा हमेशा के लिए। अब हम दोनों यहां से बहुत दूर चलेंगे, एक ऐसी दुनिया में जहां आपको कोई परेशान नहीं करेगा। अब तो आप मुझसे नाराज नहीं होने बेटा। हाथ दो, इस बार पापा आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, प्रॉमिस। आखिरी बार बेटा पापा की बात मान लो, प्लीज। मैडम जी, आपने स्कूल शुरू करके इन गरीब बच्चों पे बहुत बड़ा उपकार किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अकेली ने कुछ नहीं किया है, मेरी इस कोशिश में किसी और का त्याग भी शामिल है।